खबर राजगढ़ से, जहां बोड़ा थाना अंतर्गत आने वाले गांव ढाबला में कल बुधवार शाम को दो पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें पिता पुत्र सहित 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिनको भोपाल रेफर किया गया था। उपचार के दौरान केसर सिंह राजपूत उम्र 65 वर्ष की मौत हो गई, जिससे गांव में मातम छाया हुआ है। इधर राजपूत समाज द्वारा बोड़ा थाने का घेराव कर उक्त आरोपियों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने के साथ कठोर कार्यवाही करने SDM अंशुमन राज व SDOP भारतेंदु शर्मा को ज्ञापन सौंपा, जिसमें 7 दिवस के अंदर कार्यवाही करने का अल्टीमेटम दिया। वहीं आरोपियों पर कार्यवाही न होने पर राजपूत समाज उग्र आंदोलन के लिए भी तैयार रहेगा। फिलहाल घटना को लेकर गाँव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल मौके पर तैनात है। आप हमें तारीख बता दो, उन हिसाब से फिर नहीं तो आपसे नहीं हो करम का कार्रवाई। हाँ, कितने लोगों पर अभी अरेस्ट कराए हो, क्या किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है? चूँकि झगड़े के बाद पहले हत्या के प्रयास का प्रकरण दर्ज हुआ था और रास्ते में दूसरे एक आदमी की मृत्यु हो गई उनकी, तो हत्या का प्रकरण दर्ज हुआ है और उसकी पोस्टमार्टम हो रहा है हमीदिया हॉस्पिटल भोपाल में। 13 लोगों के खिलाफ FIR है, जिसमें से 4 लोग गिरफ्तार हो गए और 4 लोग अभिरक्षा में हैं। सभी की तलाश की जा रही है और मौके पर पुलिस बल लगाया गया है। शांति व्यवस्था की हर संभव कोशिश करके शांति रखी जाएगी। सर, अभी सुनने में आ रहा है कि ये लोग पहले से भी आपराधिक मामलों में ऐसे थे, लिखते थे, तो इस पर क्या जैसे अभी मांग की गई है कि आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चला जाए अवैध संपत्तियों को, तो ऐसे में प्रशासन क्या आगे कार्रवाई करेगा? अब इनके आपराधिक रिकॉर्ड के अनुसार और नियमानुसार जो भी इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो जाएगी होगी वो की जाएगी। राजस्व संबंधित कुछ विवाद था रास्ता को लेके, जिसके लिए उन्होंने हमारे नायब तहसीलदार की कोर्ट में एक केस भी लगा रखा था, तो कल एक सीमांकन दल वहाँ पे पहुँचा था। उन पहले से सूचना थी कि वहाँ पे पहुँचने वाले हैं, क्योंकि दोनों पक्षों को सूचना थी तो वो वहाँ पे पहले ही उपस्थित हो गए थे। अभी हमारा अमला वहाँ पे पहुँच ही रहा था, उससे पहले ही दोनों के बीच में मारपीट शुरू हो गई और जिसमें एक कुछ लोग घायल हो गए और एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई अस्पताल जाके, तो ये विवाद रहा है कुल मिला के। सर, इसमें कितने लोग घटना में घायल हैं, कितने एक लोग की मृत्यु हुई? अभी तो 4 लोग जो है वो अस्पताल में हैं और एक की मृत्यु हो गई है, अभी तो यही है। सर, मामले में कितने लोगों से क्या वो आपको SDOP साहब ने बता देंगे। 13 लोगों के ऊपर कुल हुई है FIR, 8 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। राजगढ़ जिला ब्यूरो, ब्रिज मोहन सूर्यवंशी।